ऊपर पे लगता है पूरा स्क्वाड है। एक नॉक, दूसरा नॉक, समझ में यहाँ पे एक स्क्वाड है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले। तो मैं खेल रहा हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड रैंक, और आज का गेम एकदम ही खास होने वाला है, मतलब खास के साथ एकदम ही ओपी, क्योंकि आज मैं करने वाला हूँ M60 गन चैलेंज, वो भी सोलो वर्सेस स्क्वाड में। मतलब मैं M60 गन ही चलाऊंगा लॉन्ग रेंज पे, और यहाँ पे 2 से 3 स्क्वाड आ रहा है पीक पे, मतलब आ चुका। और ये कहाँ जा रहा है? ये नॉक हो गया भैया, तो मेरे साथ लैंडिंग करके गलती कर दिया। झगड़ा मैं भैया का माफिया FF, क्या भाई क्या जरूरत है मेरे साथ लैंडिंग करने की, वो भी यहाँ। ओके यहाँ पे कौन सा गन है? नीचे पे कोई इनिमी आ चुका है। अरे यार शॉर्ट रेंज का ढंग का गन नहीं है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। और ये नॉक हो गया, डबल किल। आज के गेम में सीरियसली गाइस एकदम ही ज्यादा ओवर पावर M60 गन को यूज करते मुझे देखोगे, एकदम ही ज्यादा। मतलब तो इधर और इनेमी है, कितने बंदे हैं भाई यहाँ पे। ये नॉक हो गया माफिया है, ये तो वही बंदा है जिसको मैंने सबसे पहले फर्स्ट किल किया था। ये भी नॉक हो गया। M60 गन को बैठ के चलाने में क्या ही ओपी चलता है। वैसे इधर ग्लू वाल लगा है, मतलब बंदा है, तो चलो उधर ही चलते हैं और उन लोगों को मौत देते हैं। मौत कहाँ पे है इनेमी? वो रहा सामने पे। ये नॉक हो गया रेजर गेमिंग, ये मारा गया रेजर गेमिंग। ओके तो और इसके टीममेट्स कहाँ हैं? शायद इधर ही होगा, चलो देखते हैं। वो रहा, ओ भाई मैं उसको 300 के आसपास डैमेज किया बट वो नॉक नहीं हुआ। क्या खा क्या है भाई, लगता है जाके पूछना पड़ेगा, शायद फेक डैमेज है इसलिए वो नॉक नहीं हुआ। ये हो गया नॉक, जो गन नहीं कर पाया वो एक बॉम्ब कर दिया। अब इसको जाके बैठ के मारते हैं M60 से। क्या क्या इसके डेथ बॉक्स में? इसके बाकी टीममेट्स कहाँ हैं? लगता है आसपास में नहीं है, तो चलो अब पीक की तरफ वापस चलते हैं। 11 minutes later. ओके बगल पी, कौन है वो, कौन है वो जो मुझे बगल से मारा? वो बक्का मुझ पे रस मारेगा, वेट करते हैं। और वही सबसे बड़ा गलती होगा उसका कि मुझ पे रस, वो ऊपर पे ढूंढने जा रहा है। ए भाई हेलो, मैं इधर हूँ। ये भी नॉक हो गया मिस्टर छोटू, और बच गया। तो यहाँ पे 2 से 3 बंदे या उससे भी ज्यादा आ चुके हैं। पीछे भी नहीं भाई, किलिंग स्प्रे। तो लगता है 2 स्क्वाड के बंदे हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट कि ये मिस्टर छोटू जो था ना वो बहुत किल कर रहा था इस गेम में। नीचे पे कोई इनेमी आ चुका है बट वो ऊपर क्यों नहीं आ रहा है? ये भाई जल्दी आ यार, क्योंकि श्रिंक आ रहा है, मैं कब तक यहाँ पे वेट करूँगा तेरा? लगता है नहीं आएगा, मुझे ही नीचे जाना पड़ेगा। कहाँ पे है, कहाँ पे है भाई? उठी स्टेप साउंड भी नहीं आ रहा है। ओ भाई ये तो वही बंदा है, कब का एम लगा के बैठा है लगता है। शुरू में भी मुझे डैमेज किया, मतलब जब ऊपर पे लड़ रहा था तो, फिर अभी क्या खतरनाक डैमेज किया। शायद ऊपर पे एक और इनेमी है, स्कैनर लॉन्च करता हूँ, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पे है इनेमी। वैसे जो LSF वाला बंदा है उसको तो मारना पड़ेगा, वो भी एड। ये हो गया नॉक। और इधर का बंदा कहाँ है? इस घर के ऊपर से आ रही है यार, उसकी स्टेप साउंड में सुन लिया था। इस बार गया बबुआ, बच गया। हे बच्चू लाल हो गया नॉक। चलो इसको सबसे पहले, नहीं 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 सबसे पहले मेडिकिट लगा लेते हैं, क्योंकि HP पुल करना जरूरी है। तो सबसे बड़ा रीजन स्ट्रिंग काफी छोटा हो चुका है, अगर मैं 1 से 2 मिनट, 1-2 मिनट नहीं, अगर 30 सेकंड भी यहाँ रुका ना तो मैं मारा जाऊंगा स्ट्रिंग से। चलो बच गया,
यहाँ पे अब पूरा बंदे मिलेंगे, जितने भी हैं। वैसे 14 बंदे बचे हैं तो सामने पे ही है लगता है। वुरा। ये काला हेडशॉट। ब्लू वॉल लगा लो भाई, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो तुम लोगों को मौत दे के रहूंगा। ओके, ऊपर पे लगता है पूरा स्क्वाड है। एक नॉक, दूसरा नॉक। भाई सच में यहाँ पे एक स्क्वाड है। ओह माय गॉड, नहीं नहीं भागूंगा, नहीं भागूंगा बिल्कुल नहीं। सबसे पहले मेडिकेट लगाऊंगा, उसके बाद इनके ऊपर तो बॉम्ब की बारिश करने वाला हूँ। कोई याद थोड़ी ना रहे। नहीं नहीं नहीं, ये लोग ऊपर पे ही है। ओ भाई ये क्या क्या मार रहे हैं यार। इस बार तो ये गए। एक नॉक। ओ भाई तीन बंदे नॉक और तीनों किल आ गया। चलो सही है, तो अब मैं यहाँ पे 14 किल हो चुका है और 10 बंदे बचे हैं, तो इनके स्क्वाड का एक बंदा बस बचा है जो शायद नीचे पे है। वो रहा, इसको तो नीचे जाके मारना पड़ेगा लगता है। नहीं नहीं वेट करते हैं, क्योंकि फुटस्टेप साउंड से लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी बंदे हैं। नहीं यार कोई RPG मार रहा है, और इन्हें भी किधर है ये। क्या डैमेज कर रहे हैं सीरियसली, जितने भी बंदे बचे हैं बहुत खतरनाक है लगता है। चलो यहाँ पे SMGMO मिल गया, वरना मेरे पास बहुत कम SMGMO था, इससे फिर मैं बोया नहीं कर पाता, मतलब जितना था उससे, तो अब जितना है उससे निकाल सकता हूँ बोया इस गेम में। तो उधर चल रहा है फाइट, चलो देखते हैं। और ये इनेमी क्या क्या फेंक रहा है यार नीचे से। वैसे यार थोड़ा कैंपिंग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बंदे हैं, तो अगर दो स्क्वाड के बीच में आ गए तो रेस्ट इन पीस हो जाएगा। उससे अच्छा है कि थोड़ा कैंपिंग कर लेते हैं। वैसे भी श्रिंक आ रहा है और वो रहा सामने। ओ भाई पूरा बोले मुंह पे। चाह लिया लगता है उसको, तो पीछे से श्रिंक आ रहा है, तो निकलते हैं यहाँ से कूद कर। वैसे नीचे पे कोई एनिमी है तो मुझे थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा नीचे। ये रहा, बच गया मैं भाई। यहाँ पे पूरा पलटा है, मतलब 2-3 बंदे। लव यू जा, ये ना ये मर गया। लव यू जा, कैसे कैसे नाम रख के आते हैं एनिमी लोग यार। चलो यहाँ पे मुझे काफी ग्लूवल मिल गया, बच गया। ये मारा गया, एक गोली का था माफिया। ये तीसरा या चौथा बार हो गया मेरे हाथ से ये बंदा मरते। सबसे फर्स्ट किल इसी बंदे का किया था मैं, तो मुझे 13 बंदे वाच कर रहे हैं। 4 बंदे बस बचे हैं मुझे मिला दिया जाए तो, और अपना 16 किल हो चुका है, तो जो भी बंदे बचे हैं वो सामने पे ही है। ओ भाई मेरे ऊपर रश, इतना कॉन्फिडेंस। ये हो गया नॉक। कहाँ है भाई तेरे बाकी टीममेट, भेज जल्दी से। और जे भाई शेल्फर वाइज इंजेक्शन। ये दूसरा बंदा नॉक। कोई नहीं, मैं अपने टीममेट को रिवाइव कर रहा है लगता है। बॉम्ब से नहीं बचेगा। अरे नहीं उसको रिवाइव कर दिया। चलो अब दोनों को मारते हैं। ये एक नॉक और एक हील हो रहा है। ये मारा गया, ये बंदा लास्ट मोमेंट में हील हो रहा था, तो यहाँ पे मैंने 19 किल करके इस गेम को बोया निकाल लिया, जो कि सीरियसली गाइस बहुत ज़्यादा ओपी था, खासकर M60 गन से। वैसे जो जो चलाते हैं वो कमेंट करके बताना, और जो नहीं चलाते हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि ना बैठ के गोली चलाना इसमें, मतलब 3 चिप लगा हो तो फिर बैठ के चलाना, क्या ही तबाही गेम रहेगा फिर आपका। तो ठीक है गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
एक बात और कि YouTube में मेरे वीडियो अपलोड करने के बाद जिन भाइयों को नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है वो प्लीज़ चैनल को अनसब्सक्राइब करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल का आइकन है उसको ऑल पर सेट कर देना, फिर आप लोगों को नोटिफिकेशन जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है गाइज़।